श्रीमद् भागवत शास्त्र, ये कथा सुनो, भागवत शास्त्र की कथा सुनो। और भागवत शास्त्र का मतलब क्या है? भागवत शास्त्र का मतलब यहाँ कोई सूत जी महाराज किसी संकीर्णता में नहीं बांध रहे कि भागवत ही पढ़ो, अन्य ग्रंथों को छोड़ो, अन्य पुराण मत उलटो पलटो, ऐसी बात नहीं है। भागवत शास्त्र से मतलब जहाँ भगवत चर्चा हो और भगवत जनों की चर्चा हो, वही शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है। तो कथा श्रवण और कथा कीर्तन से बढ़कर कोई दूसरा न चित्त शुद्धि कर सकता है, न माया मोह से मुक्ति दिला सकता है, और न भगवान को सरलता पूर्वक प्राप्त करा सकता है। कथा सुनो, कीर्तन करो, केवल दो साधन। एक बात और ध्यान देने योग्य है, भगवान की प्राप्ति कई प्रकार से होती है। एक तो ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई, सामने एकदम साक्षात भगवान आके खड़े हो गए, प्राप्ति हो गई, ठीक है। लेकिन देखो, साक्षात प्राप्ति में वियोग का भय है। अब ध्रुव जी के सामने भगवान आ तो गए, पर आने के बाद क्या कहे, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य संभालो, हम तो जा रहे हैं। तो साक्षात प्राप्ति के बाद तो कभी कभी भगवान चले भी जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी की प्राप्ति कथा कीर्तन के माध्यम से भी होती है। कथा कीर्तन की प्राप्ति भी भगवान की ही प्राप्ति है। 11 साल ही तो ब्रज में रहे थे ठाकुर जी, श्याम सुंदर 11 वर्ष ही तो रहे, बाकी समय तो ब्रज गोपियों ने कथा कीर्तन के माध्यम से ही तो व्यतीत किया। और इसीलिए गोपियों ने गोपी गीत में कह भी दिया, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तव कथा अमृतम तात जीवनम कवि से कोई बहुत अधिक सुख नहीं है। तो बहुत अधिक सुख नहीं है तो दुख किस बात का है? बोले दुख इस बात का है कि सत्संग प्राप्त नहीं। अरे तो सत्संग हमसे भी बड़ा हो गया? बोले निश्चय आपसे बड़ा तो है ही, मंदिर में राजभोग बाल भोग की घंटी बजे तो आप रुकते थोड़े ही, तुरंत भाग खड़े होते हैं। पर कथा कीर्तन में, कथा कीर्तन रूप जो आपकी प्राप्ति है, उस प्राप्ति के बाद जीव को वियोग का भय नहीं रहता है। जब मन आए तब कीर्तन करो, जब मन आए कथा सुन लो, जब आए मन, जब स्मृति हो जाए उनकी, चर्चा के स्मरण में डूबे रहो। वस्तुतः भगवत प्राप्ति भगवान
मिल जाएंगे तो एक बार वियोग हो सकता है, गोपियों को भी हो गया। पर कथा कीर्तन के रूप में जो भगवत प्राप्ति है ना, उसमें कभी वियोग नहीं, कभी भी वियोग नहीं। आप कहेंगे कथा कीर्तन में भी तो वियोग है, अब 7 दिन कथा मिली पर 8वें दिन कौन कहेगा कथा, कहाँ सुनेंगे कथा? ऐसी बात नहीं है, कथा को सुनाने वाला मिले हम तभी सुने, ऐसा ठीक नहीं है। अरे घर में अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, स्वयं स्वाध्याय करो, भागवत जी है, मानस जी है, गीता जी है, स्वयं उनका स्वाध्याय करिए। स्वयं घर में आधे घंटा दैनिक रूप से कीर्तन का नियम लीजिए, दैनिक रूप से नित्य कीर्तन करिए। अरे यही तो सब सत्संग है। सत्संग का मतलब जरूरी थोड़ी है कि रोज रोज पांडाल बने, रोज रोज कहीं ना कहीं से कोई आयोजक खड़ा हो, कहीं से कोई वक्ता बुलाया जाए, तब यहाँ पट्टियाँ बिछे, तब हम बैठे और कथा सुने, यह सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब सत की चर्चा ही सत्संग है, और वो चर्चा हम घर में बैठ कर भी कर सकते हैं, हम स्वतंत्र रूप से स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें किसी के सहयोग की कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, अपने आप ही ग्रंथों का स्वाध्याय करो। अरे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो राम राम तो कर ही सकते हैं। तभी तो सत्संग गोसाई जी महाराज कितनी राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत गुनिए, राम गुण ग्राम राम। यह कार्य कौन नहीं कर सकता, कौन नहीं राम राम गा सकता है, या कौन नहीं तो चाहे चित्त शुद्धि हो, चाहे माया मुक्ति हो, और चाहे भगवत प्राप्ति हो, सबका एक ही उपाय है, कथा कीर्तन, और कुछ नहीं। कथा कीर्तन ही चित्त शुद्ध करेगा, कथा कीर्तन ही माया से छुट्टी दिलाएगा, और कथा कीर्तन ही अत्यंत सरलता पूर्वक भगवान से भी मिला देगा। यहाँ तक कि भागवत जी का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान। जिस समय सुखदेव जी बैठे हैं कथा सुनाने के लिए, महिमा ऐसी है कि परीक्षित जी को कथा सुनाई, देवताओं को कथा नहीं सुनाई। क्यों? कथा की भी महिमा से अनभिज्ञ थे, महिमा नहीं जानते थे। महिमा क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि देवता आके वहां लेन देन करने लगे। अब कोई व्यापारी हो तो वो तो जहाँ जाएगा वहां अपना व्यापार ही सोचेगा। देवता बोले आप ये अमृत ले लो, हमें कथा अमृत दे दो। तो सुखदेव जी ने अभक्तांस्तांश विद्याय न ददौ कथामृतम्। अरे इन अभक्तों को क्या कथा दें? कहीं कथा की और स्वर्ग के अमृत की तुलना हो सकती है भला? कांच चाहे जितना चमके पर कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो स्वर्ग का अमृत सुनने में चाहे जितना अच्छा लगे, अरे देवता बन जाओगे, स्वर्ग का अमृत पीने को मिल जाएगा, भूख प्यास नहीं लगेगी, अप्सराएं भोगने को मिल जाएंगी, विमान मिल जाएगा, लेकिन वह अमृत भगवत प्राप्ति थोड़ी करा सकता है, वह अमृत अभयत्व थोड़ी दे सकता है। हाँ ठीक है, एक कल्प के लिए तुम अमर बन जाओ, अमृत्व तुम्हें एक कल्प के लिए मिल जाए, पर अभय नहीं मिल सकता है। देवता भी जहाँ सुने, हिरण्यकश्यपु का अब प्रभाव बढ़ गया है, अब राजा बलि का प्रभाव बढ़ गया, अपने आप ही स्वर्ग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? अमर तो हैं पर अभय नहीं है। अमर तो हैं, गदा लग जाए तो नहीं मरे, शूल चुभ जाए तो नहीं मरे, वज्र पड़ जाए तो भी नहीं मरे, लेकिन अभय प्राप्त नहीं है देवताओं का। पर कथा कीर्तन सुनने वालों को, करने वालों को अमरत्व तो मिलता ही है, अभयत्व की प्राप्ति हो जाती है। और अभयत्व में भी भगवान अपनी माया के भय से, मोह के भय से, जन्म के भय से और मृत्यु के भय से भी जीव को छुड़ा देते हैं। ये कथा कीर्तन की महिमा है। इसलिए बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है श्री भक्तमाल जी का, सुधा पिए नहीं मरे परे हरि विमुख पाप में, कहा भयो भय अमर रयो जो अजा ताप में। अमृत पीने से क्या फायदा? अमृत पी लिया और माया से नहीं छूटे तो अमृत पीने से क्या लाभ? शरणागति हरि भक्ति सुधा सो सांची जानो, याते संस्कृति नाश नित्य सुख सिंधु समान। भगवान की शरणागति ही सच्चा अमृत है, स्वर्गीय अमृत कोई अमृत नहीं है। और भक्ति हीन को सुधाहु सुरा सरस यह विधि कही, याते रामानुज गुरु सुखद सुधा निधि है सही।
भक्तिहीन व्यक्ति बहिर्मुख आदमी तो अगर अमृत भी पी जाएगा तो अमृत पीने के बाद भी मरेगा, और जो भक्त है वो अगर जहर भी पी जाएगा तो जहर पी के भी मीरा अमर हो गई थी। भक्तिहीन को सुधाहु सुरा सरे से यह विधि कही, याते रामानुज गुरु सुखद सुधा निधि है से। सब संसार जानता है अमृत जहर पी के भी मीराबाई का कुछ नहीं बिगड़ा था, जहर पी के भी। और कितने देवताएं आए दिन अमृत पीते हैं, राजा नहुष अमृत पी लिए देवता बन गए, और फिर इंद्राणी पे कुदृष्टि की तो आके सर्प बन गए, अजगर बन गए। तो अमृत पीने से कोई लाभ थोड़े ही है, भगवान की शरणागति सच्चा अमृत पान है। और भैया इस अमृत पान की जिन जिन महापुरुषों ने महिमा समझी है, जैसे हमारे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, इनके विषय में लिखा है भक्तमाल जी में, गोपुर वे आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो, सूते नर पर जाग बेहतर श्रवण न धार्यो। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज को एक बार उनके गुरु श्री गोष्ठी पूर्ण जी ने अष्टाक्षर मूल मंत्र नारायण मंत्र का उपदेश किया। और देखो जब जैसे कोई गुरु जब कोई शिष्य को दीक्षा देता है या गुरु मंत्र सुनाता है तो जोर से नहीं कहता, कान फूंकता है, कान में मंत्र सुनाता है, और उसको ये आदेश भी देता है कि ये गुरु मंत्र किसी अन्य को मत सुनाना, अनधिकारी को मत सुनाना। तो जिस दिन श्री गोष्ठी पूर्ण जी ने श्री रामानुज जी महाराज को नारायण मंत्र कान में सुनाया, नृसिंह चतुर्दशी तिथि थी, उस मंत्र को सुनते ही श्री रामानुजाचार्य जी को साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। मंत्र को सुनते ही, अभी तो मंत्र का कोई जाप भी नहीं किया, अनुष्ठान भी नहीं किया, पुरस्करण कुछ नहीं किया, तो मन ही मन सोच रहे हैं कि ऐसा गुरु मंत्र जिसके सुनने मात्र से मुझे भगवान का दर्शन हो गया, इसे तो हम मंदिर पर खड़े होकर कहेंगे। तो गौमुख पे खड़े होके और रात्रि के समय रामानुज जी ने जोर से भगवान नाम का उद्घोष किया उसी मंत्र का। उस समय बेहतर लोगों ने वो नाम सुना था, सूते नर पर जाग बेहतर श्रवणन धारो, सोते हुए बेहतर लोगों ने वो मंत्र सुन लिया, वो भगवान नाम मंत्र, नारायण मंत्र। और श्री रामानुजाचार्य जी की कृपा से उन बेहतर लोगों को सुनते मात्र भगवान का दर्शन हो गया। अब गुरुजी अगले दिन बहुत डांटे शिष्य को, अरे रामानुज हमने तुम्हें मना किया था, गुरु मंत्र को ऐसे थोड़ी मंदिर पे खड़े हो के पुकारा जाता है, जोर जोर से कहा जाता है, ये तो बहुत गोपनीय रखने योग्य मंत्र है, बहुत गुप्त रखा जाता है, गोपनीय मंत्र है, जाओ तुम नरक भोगो। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने प्रार्थना की, गुरुदेव यदि मेरे अकेले के नरक भोगने से बेहतर लोगों को भगवान मिल जाए तो मैं तो खूब एक बार नहीं हजार बार नरक भोगने को तैयार हूँ, मैं खूब हजार बार नरक भोगूं, पर इन बेचारे जीवों को भगवान का दर्शन तो कम से कम हो जाएगा, भगवत प्राप्ति तो सहज में हो जाएगी। तो ये सच्चा अमृत है, इस अमृत की महिमा जिन्होंने जानी तो खूब जगह जगह जा जा के गा गा के भगवान नाम सुनाया। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी ने संपूर्ण बंगाल प्रांत को हरि नाम से गुंजायमान कर दिया, पूरे बंगाल प्रांत में हरि बोल हरि बोल। हरदास ठाकुर 300,000 नाम जोर जोर से उच्च स्वर से संकीर्तन किया करते थे, क्यों? क्योंकि नामामृत ही सच्चा अमृत है। ये ऐसा अमृत है जिसे पीने वाला भी अमर और पिलाने वाला भी अमर, और ये स्वयं में तो अमर है ही। इसलिए को सुधा को कथालोके को काचह को अमर महान, स्वर्गीय अमृत की और कथामृत की कोई तुलना नहीं की जा सकती, कोई बराबरी नहीं की जा सकती। सूत जी महाराज शौनक जी को वर्णन किए हैं, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथामृत दे दिया पर देवताओं को नहीं दिया, क्योंकि देवता व्यापारी हैं, लेन देन करने पहुंच गए। इससे स्पष्ट होता है कि लेन देन की वृत्ति रखने वालों को तो कथा कहने का भी अधिकार नहीं और सुनने का भी अधिकार नहीं। जहाँ कथा केवल लेन देन का सौदा बन जाए वहां कथा की अधिकारिता प्राप्त नहीं होती है।
अनधिकार आप चाहे जो कुछ कर लें, 5 लाख के ठेके में कथा कहें या 10 लाख के ठेके में कथा कहें, लेकिन ये अधिकार नहीं है। ये शास्त्र से सब विरुद्ध बातें हैं, ये सब कथा कीर्तन का अपराध है। हमारे श्री हरदासी संप्रदाय के बहुत बड़े महापुरुष हुए रसिकाचार्य श्री बिहारेन्द्र देव जी महाराज, उनकी वाणी है, नाम निरादर मत करो दिन नाम ही दुलराए, बिहारी दास ममता बिना नाम ही बेचे खाए। संसार में जहाँ जीव की ममता होती है उस वस्तु को कोई बेच थोड़ी देता है। आप अपने बेटा बेटी को बेच सकते हो क्या? आपकी जहाँ ममता आप उसे बेच देंगे क्या? कभी नहीं बेच सकते। कथा कीर्तन को वे ही लोग बेचते हैं जिनका कथा कीर्तन में ममता नहीं है, जिनका कथा कीर्तन से कोई प्रेम नहीं है, वही कथा कीर्तन को बेच सकते हैं। और प्राय आज हो क्या रहा है? व्यापारी तो हो रहा है, चाहे वो कीर्तन हो चाहे वो कथा हो, सब व्यापार है। और नाम निरादर मत करो, बिहारेन्द्र देव जी कह रहे हैं कि नाम का निरादर है, ये कथा का निरादर है, अपमान है उसको बेचना, उसको बेच कर खाना। बिहारी दास ममता बिना नाम ही बेचे खाए, नाम को बेच बेच के खा रहे हैं, नाम को बेच बेच के पेट भर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा भगवान नाम कथा का अनादर है। सुखदेव जी महाराज जैसे वक्ता हूँ और परीक्षित जी जैसे श्रोता हूँ, सारी पृथ्वी के अचल सम्राट हैं परीक्षित जी, क्या नहीं दे सकते सुखदेव जी को? और सुखदेव जी जो चाहे परीक्षित जी उन्हें क्या नहीं दे सकते? सब कुछ दे सकते हैं। पर अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालई अवधूत वेश, जैसे दिगंबर नग्न आए थे वैसे ही सुखदेव जी कथा कह के दिगंबर ही चले गए। चाहते तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते थे परीक्षित जी से? ऐसा निष्प्रिय वक्ता हो और ऐसा ही निष्प्रिय श्रोता हो, जहाँ कथा कीर्तन का लक्ष्य केवल कल्याण हो, कथा कीर्तन का लक्ष्य केवल भगवान के चरणों में प्रेम की उत्पत्ति हो, बाकी दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, तब कथा कीर्तन का वास्तविक रस प्रकट होता है। नहीं तो रसावास में कथाएं चलती रहती हैं। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को ही, अधिकारी श्रोता को ही कथा सुनाए हैं। अगर देवता सामान्य भाव से आकर बैठते तो सुखदेव जी कोई उठा थोड़ी सकते थे कि नहीं नहीं तुम जाओ हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, पर वो कथा सुनने नहीं आए थे, वो लेन देन करने आए थे, इसलिए कथा अमृत को नहीं दिया। आगे श्री सनकादिक मुनीश्वर ने देवर्षि नारद जी महाराज को सप्ताह यज्ञ की विधि बताई है। साप्ताहिक सत्र जो शुरू हुआ उसकी सारी प्रक्रिया सनकादिक मुनि ने नारद जी को बताई। जिस समय देवर्षि नारद जी महाराज कलिकाल की भीषण चाल को देखकर व्यथित हो गए, ना सत्य रहा ना कहीं दया ना दान, हर जगह पाखंड का बोलबाला हो गया, अट्ट शूला जनपदा शिव शूला दुजातयः, लोग कन्या बेचने लग गए, वेद बेचने लग गए, भागवत बेचने लग गए, ग्रंथों को कथा कीर्तन को बेचने लग गए। ये सब देखकर नारद जी पीड़ित हो गए, उनको मन में अपार कष्ट हुआ कि आगे लोग भवसागर कैसे पार करेंगे, कहीं सत्य नहीं धर्म नहीं निष्ठा नहीं संप्रदाय के अनुसार वैष्णवता नहीं, कैसे लोगों का कल्याण होगा। घूमते घूमते नारद जी जब वृंदावन में पहुंचे हैं यमुना जी के तट पर, एक युवती को देखा जो दो वृद्ध पुरुषों को अचेत अवस्था में पड़े थे उन्हें जगा रही थी। नारद जी ने पूछ लिया, हे देवी तुम कौन हो? तब उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, महाराज ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, अब माँ के माँ युवती रहे और बालक पहले वृद्ध हो जाए तो ये तो कष्ट की बात है। नारद जी ने उनको सांत्वना दी है और भक्ति महारानी को ज्ञान वैराग्य सहित हृष्ट पुष्ट करने का संकल्प किया है। देवर्षि नारद जी महाराज भक्ति देवी को उनकी महिमा सुनाने लगे हैं। देवी देखो, चाहते तो परीक्षित जी भी कलयुग को नष्ट कर सकते थे पर नहीं किया, उसका कारण है यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्,
जो फल तपस्या योग समाधि से भी नहीं मिल सकता, वही फल कलिकाल में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से जीव को मिल जाएगा। इसलिए परीक्षित जी ने कलियुग को दोष रूप होते हुए भी नहीं मारा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। गोसाई जी ने भी तो यही कहा, कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। बिना प्रयास के अगर कल्याण चाहते हो तो कलियुग में ही हो सकता है, बाकी अन्य युगों में नहीं। किसी युग में यज्ञ की प्रधानता, किसी में तप की प्रधानता, कहीं योग की प्रधानता, और कलिकाल में नाम की प्रधानता है। सहज में उठते बैठते भगवान नाम लेने वालों के भी कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाता है। कितना सहज है कल्याण कलयुग में। इसलिए प्रयास करना चाहिए, जितनी नाम स्मृति रह सके, चलते फिरते उठते बैठते जब स्मरण में आ जाए तब वाणी से उपांशु जप नाम का होने लग जाए, धीरे धीरे मंद मंद नाम का जप होने लग जाए, नाम कीर्तन होने लग जाए। नारद जी महाराज भक्ति देवी को भक्ति की महिमा कहे हैं, तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करो, तुम्हारा कष्ट स्वतः दूर हो जाएगा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का बड़ा प्रयास किया, पर वेद पाठ करें, गीता पाठ करें, सब निष्फल। आखिर में आकाशवाणी हुई जब नारद जी तप करने चले, हे मुनि तप करने की जरूरत नहीं है, एक अनुष्ठान करिए, वे संत शिरोमणि आपको बताएंगे। अब कौन सा अनुष्ठान करें, कौन से संत बतावेंगे, नारद जी तो चक्कर में पड़ गए। अब बड़े बड़े तीर्थों में जाएं, कहीं कोई कुछ नहीं बता सका। तब आखिर में श्री नारद जी को सनकादिक महापुरुषों का दर्शन हुआ, और सनकादिक मुनीश्वरों का दर्शन प्राप्त करते ही उन्होंने अपने मन के भाव उनसे निवेदित किए हैं, महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को संतोष मिले ऐसा कोई कार्य करें। तो लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्री को जीवन, देखो कितना सुंदर विशेषण दिए संकादिक के लिए, जो निरंतर लीलामृत में, लीला रस के अमृत में उन्मत्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, ऐसे महापुरुष जिनका कथा कीर्तन जीवन बन चुका है, वो संकादिक महापुरुष नारद जी से कह रहे हैं, आप चिंता न करें देवर्षे, बहुत सरल उपाय है। क्या उपाय? बोले इनको श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण कराऊं। अरे महाराज ये कैसे संभव है, जब गीता पाठ वेद पाठ से नहीं हुआ तो भागवत पाठ से ही क्या हो जाएगा। संकादिक महापुरुष बोले, नारद जी आप भूल गए, पूर्व जन्म में आपने व्यास जी को भागवत बनाने की प्रेरणा दी थी, और आज आप भागवत जी की महिमा भूल गए। अरे आम के वृक्ष की चाहे जितनी महिमा हो, पर आम के बराबर महिमा वृक्ष की थोड़ी हो सकती है। आम में जो मधुरता है, जो तृप्त करने की सामर्थ्य है, वो वृक्ष में नहीं हो सकती। हाँ बिना वृक्ष के आम भी नहीं हो सकता है, पर आम की महिमा तो आम की है, वो शाखाओं की नहीं हो सकती, वो आम की पत्तियों की नहीं हो सकती, वो तना की नहीं हो सकती, वो पुष्प की नहीं हो सकती, आम्र की महिमा तो आम्र की है। तो वैसे ही वेद वृक्ष हैं, पर भागवत वेद का गलित फल है, पका हुआ फल है। इसलिए भागवत जी की महिमा अपनी जगह है, वेदों की महिमा अपनी जगह है। तब नारद जी बोले, तब ये कथा कौन कहेगा। सनकादिक महापुरुष बोले, हम चारों भैया आपस में तो कहते ही रहते हैं, चलो अब आपके लिए कह देंगे, हमें क्या समस्या है। पर कहां कथा का अनुष्ठान हो। बोले कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आराम से लोग सुविधा पूर्वक आ सके, बैठ सके, कथा का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। तब निश्चय हुआ, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर कथा का आयोजन किया जाएगा। देखो यहाँ गंगा द्वार कहा है, श्रीमद् भागवत संकीर्ण विचारों से विमुक्त ग्रंथ है। गंगा द्वार कहा, हरिद्वार नहीं कहा। इसका बड़ा सुंदर भाव इसी सदी के महापुरुष हुए हैं, भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज, जिनको लोग मामा जी के नाम से भी जानते हैं, बड़ी प्रसिद्धि उनकी हुई।
बड़े दिव्य महापुरुष हुए, उनका भाव है, उनके एक ग्रंथ में ही पढ़ा था कि यहाँ गंगा द्वार कहने का आशय यह है, अगर हरिद्वार कह दें तो जो कृष्ण उपासक हैं, जो श्री ठाकुर जी को मानने वाले, वे कहेंगे कि भाई हरिद्वार में कथा हुई है तो जो हरि के भक्त हैं उन्हीं को पहुंचना चाहिए, तो जो शंकर जी के उपासक हैं वे नहीं जाएंगे। और यदि हरद्वार कह दें तो जो हर माने शंकर जी के उपासक हैं वे ही जाएंगे, फिर हरि के भक्त नहीं जाएंगे। तो ना हरिद्वार कहा ना हरद्वार कहा, सीधे गंगा द्वार कह दिया, क्योंकि गंगा जी का संबंध दोनों से ही है। ठाकुर जी के चरणों से गंगा जी निकली और शंकर जी ने गंगा जी को मस्तक पे धारण किया। तो किसी प्रकार की संकीर्ण विचारधाराओं को अवसर न मिले, अतः उन्होंने गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम और नाना तरुलता कीर्णम नव कोमल वालुकम, सुंदर सुंदर वृक्षों की छाया है, नव कोमल वालुकम, शीतल शीतल कोमल कोमल वालुका है, रेती बिछी हुई है, चाहे जितना 8-10 घंटा 24 घंटे बैठे रहो तो भी थकान नहीं हो, श्रम नहीं हो, ऐसी जगह अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति, वहां कथा होगी, अपूर्व रस का उदय होगा और भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होगी, ऐसा निश्चय करके सनकादिक महापुरुष नारद जी को कथा सुनाने के लिए बैठ गए। और जब कथा सुनाने बैठे हैं तो भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च, तीनों लोकों के महापुरुष, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि महर्षि कथा सुनने के लिए पहुंचे। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावन्तो अपि आययु सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा, जितने लोग रस के लंपट थे, अब देखा जाए तो लंपट एक प्रकार का अच्छा शब्द नहीं है, गाली है, कोई काम लंपट, कोई स्त्री लंपट, कोई धन लंपट, लेकिन यहाँ रस लंपट कह रहे, लंपट माने लोभी, जो रस के लोभी पुरुष हैं वो धावंतो दौड़ दौड़ कर कथा सुनने के लिए आए हैं। और रस का लोभी कौन है? प्रथमम ये च वैष्णवा, सबसे पहले जो वैष्णव जन है वे रस के लोभी है, वे दौड़ दौड़ कर कथा सुनने आए हैं। तो दौड़ दौड़ कर आने से क्या अभिप्राय है? आराम से नहीं आ सकते क्या? दौड़ दौड़ कर क्यों आ रहे हैं? दौड़ दौड़ कर इसलिए आ रहे हैं कि कथा आरंभ होने के पूर्व पहुंच जाएं, कोई कथा का अंश हमसे छूट न जाए, इतनी आतुरता आकुलता कथा सुनने के लिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कथा 12 बजे शुरू हो जाए, 3 बजे लोगों का आना हो, ये कथा सुनने वालों के लक्षण नहीं है। और जो कथा में इस प्रकार से आते धावंतो, भैया ये स्थितियां तभी तक होती हैं जब तक कथा का रस मुंह नहीं लगता, और जब रस मुंह लग जाए ना तब तो ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जब कथा कहते थे सब वैष्णव कथा सुनते, एक वैष्णव थे रोज रोज देरी से आते, 15 मिनट रोज देरी से पहुंचते थे। अब श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी जब तक वे ना आ जाते कथा को आरंभ नहीं करते थे। एक दिन कुछ वैष्णवों ने कहा, महाराज इसको पता नहीं है कि रोज रोज ढोंग रचता है, 15 मिनट देरी से आता है, इसको पता है रोज ठीक समय से कथा शुरू हो जाती है, अन्य लोग भी प्रतीक्षा करते रहे, देखते रहे कब आएगा तब कथा शुरू हो, ऐसा है आज आप जल्दी कथा शुरू कर दो। तो आचार्य चरण ने उनके आग्रह से कथा जल्दी शुरू कर दी। अब जैसे ही वो कथा की ध्वनि उन वैष्णव के कानों में पड़ी, अब वो वैष्णव क्या, उनके घर में ठाकुर जी की सेवा थी और अष्टयाम भाव से भगवान की आठोयाम की सेवा करते थे, कथा सुनने के लिए जैसे तैसे भोग धरा के जल्दी दौड़ पड़ के कथा सुनने के लिए आते थे। आज जब 15 मिनट जल्दी कथा आरंभ हो गई तो उन वैष्णव ने उस दिन क्या किया, बाटी का भोग लगाया था। अब बाटी को तो पकने के लिए भी समय चाहिए, अब अंगा बाटी बनाई पर बाटी पकी नहीं ढंग से, अब कथा हो गई शुरू, कथा कैसे छोड़ दें क्योंकि रस लग गया मुंह कथा का। तो उसी समय वैष्णव ने कच्ची बाटी ठाकुर जी को भोग में धरा दी, हे प्रभु अब जैसी है खा लो, कथा नहीं छोड़ेंगे हम आपको, छोड़ सकते कच्ची बाटी धरा के और भाग गए कथा में। अब कथा सुनी आनंद मग्न हो गए। उस दिन श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी को श्रीनाथ जी ने स्वप्न दिया, हे आचार्य चरण जब आप रोज 15 मिनट इसकी प्रतीक्षा करते थे तो आज ही कौन सा जोर पड़ रहा था, कच्ची बाटी भोग में धरा के चला गया, पेट में रात ही से दर्द हो रहा है, अब क्या उपचार करें, क्या उपाय करें।
हमारी आपसे प्रार्थना है, चाहे ये 15 मिनट विलंब से आए, चाहे 20 मिनट आधे घंटा विलंब से, आप इसकी प्रतीक्षा किया करें। और नहीं तो रोज कच्चा भोजन करा के चला जाएगा तो रोज रोज हमारे तो शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे। तब अगले दिन से फिर श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, वह वैष्णव जब तक नहीं आ जाता तब तक कथा नहीं आरम्भ करते। तो धावन तो भगवत सेवा पाठ पूजा सब सेवा धर्म कोने में धरे रह जाते हैं जब कथा रस मुंह लग जाए। दौड़ दौड़ के कथा के रसिक जो है दौड़ दौड़ के कथा का रसास्वादन करते, दौड़ दौड़ के आस्वादन करते। और जिन्होंने किया, प्रभु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, सर्वेप्यमी मुनिगण सह पुत्र शिष्य, अपने अपने पुत्र और शिष्यों सहित पधारे।